गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो गुड मॉर्निंग। विष्णु मिश्रा हेलो, विष्णु आवाज आ रही मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है विष्णु मिश्रा? जी सर आ रही है। आशुतोष मिश्रा, आवाज मेरी आ रही है? हेलो हेलो, यस सर आ रही है आवाज। ओके यस सर आ रही, आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो कल हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था और इसके हमने फंक्शंस भी देखे थे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं, ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आज हम बात करेंगे, जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, आपका सिक्योरिटी है, आपका इंटरेक्ट विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट अभी आएगा, आपका फाइल मैनेजमेंट भी आएगा, शेड्यूलिंग आएगा। ये तीन मेन टॉपिक हैं आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में, बीसी हो चाहे एमएससी सीएस हो। तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और देखते हैं साथ में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी प्रोग्राम, जिसको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये क्या होता है, और इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या कंपेरिजन हो सकता है दोनों में। कुछ कंपेरिजन होता है क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दोनों है, बट कंपेरिजन क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एनवायरनमेंट, तो ये हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैं बता दूं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ओल्ड, कहते हैं पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके और भी वीडियो बनते हैं, और भी कुछ टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो जनरली आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं उसको आपको बता दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, कि कैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे चीज़ें बाद में इंक्लूड की गई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले, दोनों के बीच में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया था। तो पहले जान लें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, इसके बाद हम बात करेंगे फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसी के बीच में देखते हैं कि पूलिंग एक होता है, पूलिंग कैसे आया आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या उसमें चीज़ें जोड़ी गई जिससे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमियाँ थी उसमें सुधार आ सके। तो जैसे कि मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताए, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले तो आपका होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका होता है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आपका आता है
मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका है रियल टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो अलग अलग बुक में दिया रहता है, लेकिन गैल्विन से आप पढ़ रहे हो तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए जनरली तौर पे आप समझिएगा कि बहुत पहले कई 96 के दशक में आप ये जानते हो कि जनरली तौर पे कंप्यूटर्स जो है बहुत ही हाई फाई कंपनीज या हाई फाई लोग ही इस्तेमाल करते थे। हम जैसे आम लोग 95 के दशक में कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास होते नहीं थे, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। तो हाईली कंप्यूटेशन कंपनीज वगैरह भी, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी कंप्यूटर्स का यूज करते थे। तो अब हम लोगों का काम कैसे होता था कि सपोज करो कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं और हमें वो एग्जीक्यूट कराना है, तो हम क्या करते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो एक सिंपल ऑपरेटर है। तो हम अपनी ऑफलाइन जॉब तैयार करने के बाद हम उस कंपनीज में या किसी शॉप में जिसके पास सिस्टम है जो काम हमारा कर सके, तो एक नॉर्मल हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके पास एक ऑपरेटर, यानी एक ऑपरेटर को हम अपनी सारी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स, यानी कि सारे के सारे जॉब्स को हम दे देते थे। और जॉब्स किस रूप में हुआ करती थी, वो जॉब्स हमारी होती थी पंच कार्ड, कहते हैं एक पंच कार्ड हम उसको प्रोवाइड करते थे, पंच कार्ड जैसी को हम बोलते थे पेपर कार्ड, पंच कार्ड, पेपर कार्ड, मैग्नेटिक टेप भी हम कह सकते थे इनको। मैग्नेटिक टेप भी हम इनको बोलते थे। तो इस टाइप की चीजें हम इस ऑपरेटर को प्रोवाइड करके चले आते थे। वो क्या करता था, इन सबको हमसे कलेक्ट कर लेता था, बोलता था कि जैसे कंप्लीट होगा हम आपको दे देंगे। वो क्या करता था, इन पंच कार्ड जो जॉब्स हैं आपकी, इनको सिंपल सिमिलर, देखिए पंच कार्ड का मतलब क्या, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब। जैसे मान लो सिमिलर टाइप का मतलब क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे हमारे प्रोसेस हैं, एक कॉन्सेप्ट पे अलग है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे अलग है। तो सपोज करो कि ये क्या करता था, इन बैच के अकॉर्डिंग करता क्या था, इसको वो जैसे B1, B2, B3 ये थ्री टाइप के बैचेस बना लेता था। तो मान लो तीन टाइप के सिमिलर जॉब है, तो B1 में मान लीजिए 2 जॉब्स हैं सेम टाइप का, सेम कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो जावा के 2 प्रोग्राम, कॉन्सेप्ट अलग है उनका लेकिन हैं जावा के 2 प्रोग्राम, सपोज दैट। तो 2 है तो यहाँ B1 कर दिया उसको। फिर इसके बाद B2 पे आता था, उसमें मान लो 3 है, चलो सी पे मान लो 3 प्रोग्राम सी पे ही है, लैंग्वेज एक है ना आपका, लेकिन प्रोग्राम अलग अलग कॉन्सेप्ट में 3 है लेकिन एक ही लैंग्वेज पे बने हैं। बात समझ में आ रही होगी, अलग अलग बैच, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब जिसको बोलते हैं कि सिमिलर एक ही तरह के। जैसे कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट पे 10 लोग हैं तो उस डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि वो डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम करते हैं। तो ये एक बैच बन गया हमारे, साइसेस तो बन गया, इसी तरह नर्सिंग का बन गया, इसी तरह अलग टाइप का, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सपोज ये 3 डिपार्टमेंट मान लो हम कह सकते हैं, इस डिपार्टमेंट को भी हमको देखना है, इस डिपार्टमेंट को भी हमको देखना है, इसको भी हमको देखना है। तो इसके अंदर 2 लोग हैं, इसके अंदर 3 लोग हैं, इसी प्रकार इसके अंदर 4 लोग हैं, अलग अलग जो आपको वो एग्जीक्यूट करके अपना आके बाद में उनको दे देता था।
एक समस्या यहाँ पे बेसिक क्या होती थी पहले ये समझने की जरूरत है कि सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि सीपीयू जो प्रोसेस करेगा उसको ये B1 सिमिलर टाइप का जॉब दिया गया, ऑपरेटर ने दे दिया 1/1 दोनों को। जब तक B1 मान ली यहाँ पे दो जॉब थी फर्स्ट सेकंड उसने लगा दिया तो पहला एग्जीक्यूट हुआ, फिर एग्जीक्यूट होने के टाइम पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई इनकेस है B1 पे ही कुछ प्रॉब्लम हुई, हम भी कह सकते हैं कि इसके बाद इसमें आ गया इसको कंप्लीट कर गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्या हो गई इस प्रोग्राम में कुछ इसको रिक्वायरमेंट हुई जो सीपी पूरी नहीं कर सकता, या इसको इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम हुई कि इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो तब तक सीपीयू इसी में बैठा रहता है, उस टाइम पे चाहे तो B2 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, बट ऐसा नहीं होता था। ये बैच का बैच था कि जब तक पहला बैच नहीं कंप्लीट होगा तब तक दूसरा बैच कंप्लीट नहीं होगा, फिर तीसरा बैच कंप्लीट नहीं होगा। हमने सुविधा क्या दी, इस सिमिलर टाइप की जॉब थी, नंबर ऑफ जॉब इसमें दो है तो दो को कर दिया उसने, चलो दो कंप्लीट होगी, फिर दूसरे पे जाएगा, दूसरे बैच को उठाएगा, फिर तीसरे बैच। इससे सीपीयू की जो आइडलनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, सीपीयू काफी देर तक आइडल बैठता था। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट और आया दिमाग में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम छोटा सा समझें और अच्छे तरीके से देखें, नॉर्मल सपोज करो ये सीपीयू है और इसके पास एक जॉब आया P1, इसने इसको लिया एग्जीक्यूट करने को, अब ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, अचानक इसको इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ी तो सीपीयू उसको छोड़ देगा, यानी ये चला गया आयो रिक्वेस्ट के लिए चला गया। अब उस टाइम पे P2 यहाँ पर कोई आया और वो सीपीयू की रिक्वायरमेंट कर रहा, बट सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लेगा, तो इससे सीपीयू की आइडलनेस बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, यानी काफी देर तक आइडल बैठा रहेगा, इससे थ्रूपुट भी नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस तो जीरो हो गया फिर, तो इससे क्या है टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन सीपीयू काफी देर तक सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक वो काम खत्म करके नहीं आएगा तब तक वो दूसरा जॉब लेगा ही नहीं। बैचेस में यही कॉन्सेप्ट बैचेस का ही था कि एक काम जब तक नहीं होगा, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा सीपीयू जब तक इसको सीधे सीधे भेज नहीं देता, मतलब कहने का क्या है, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन प्रियम्पशन मोड में वर्क करता है। नॉन प्रियम्पशन एक वर्ड है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नॉन प्रियम्पशन मोड। नॉन प्रियम्पशन का मतलब ये होता है कि सीपीयू को जब कोई प्रोसेस मिलेगा तो वो उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा, इसके बाद दूसरा प्रोसेस उठाएगा, पूरी तरीके से वो उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है साफ न दिखने का, क्या आपको अब ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? हेलो, आप लोगों को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? किसने मैसेज किया था? हेलो, क्या नाम है इसका? शतान, क्या अब दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, यस सर, अब दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, जी अब दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा मार्कर और चेंज किए दे रहा हूँ, दिख रहा है? वन सेकेंड, ओके सर। क्या अब दिखाई दे रहा है? क्या अब दिख रहा है? यस सर, ठीक है। तो नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है कि प्रोसेस एक बार सीपीयू को मिला तो वो उसे कंप्लीट करेगा, अब ऐसा करने के लिए भले प्रोसेस उसको कई बार परेशान करे, बार बार जाए, नहीं अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, दोबारा से मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, तब तक वो बेचारा खाली बैठा रहता है, ये प्रॉब्लम देखो यहाँ पर आई, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अपोजिट बात करें, मल्टी प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा समझे, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेते हैं।
कि अब इसमें दूसरे वाले पार्ट में आते हैं कि मल्टी प्रोग्राम्ड में, देखिए मल्टी प्रोग्राम्ड में और एक मल्टी टास्किंग भी है आपके पास, दोनों में कंपेरिजन भी करेंगे साथ साथ। देखिए मल्टी प्रोग्राम में क्या है कि मान लो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। एक होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी, कितने प्रोसेस आपके मेन मेमोरी में पड़े हुए हैं। हम मेमोरी में प्रोसेस की संख्या बढ़ाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में, पहले एक प्रोसेस था फिर दूसरा प्रोसेस था। तो अभी सिर्फ आप एक टोटल कॉन्सेप्ट ये समझिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या, एक से ज्यादा प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करा रहे हो सीपीयू के माध्यम से, बट एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। बट मल्टी प्रोग्रामिंग का भी क्या मतलब रहा तो वो देखिए, सपोज करिए आपका ये मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है आपकी ऐसे। अब इसमें एक प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, ऐसे ये जॉब पड़ी हुई है इसमें मेन मेमोरी। अब CPU के पास कोई प्रोसेस आ गया थोड़ी देर के लिए, ये CPU P1 ने, पहले P1 आया CPU के पास, CPU ने इसको एग्जीक्यूट करना चालू किया। इन केस CPU चला गया, P1 चला गया आयो रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए आपका P1 चला, तो उस टाइम पे CPU क्या करेगा, P2 को चांस मिलेगा, P2 ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है, जब ये तू आयो रिक्वेस्ट कंप्लीट कर अपनी, P2 क्या होगा। तो इससे आपने क्या देखा, सबसे पहली बात क्या देखी आपने, आपने क्या देखा कि इससे ज्यादा तो मैं सेटिंग नहीं कर सकता क्योंकि जूम में ब्लैक बोर्ड की सेटिंग थोड़ा कम आती है, थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। अरे नेट स्लो है इसलिए थोड़ा ये क्वालिटी नहीं साफ आ रही है ना, ये रीजन है। अब दिख रहा है, हेलो? नहीं सर, ब्लर बहुत है। वो प्रॉब्लम जानते हो किसकी है, ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अंधेरा बहुत ज्यादा है। नहीं सर, एक्चुअली आपका नेट भी स्लो चल रहा है थोड़ा सा। हाँ ये हो सकता है, नेट स्लो चल रहा है क्योंकि पैरेलल क्लासेस चल रही है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी जी, इसी की वजह से। हाँ चलो ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप उसको चीज को जरा सा थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आएगा, P2 आएगा, ठीक है। तो जब P2 आएगा तो P2 एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। अब सवाल आता है कि P1 फिर क्या दोबारा आएगा, आएगा पर डायरेक्टली CPU नहीं मिलेगा उसको। अब डायरेक्टली CPU क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊं, क्योंकि अगर मैं अभी बता देता हूं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है ना, ये सारा का सारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम पर डिपेंड करता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम, यानी कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक प्रोसेस सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने क्या किया, उसको हटा दिया, हटा दिया, फिर दूसरा प्रोसेस लिया, फिर इसके बाद प्रोसेस चला गया, तीसरा प्रोसेस लिया। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अब मैं बैठ के बता रहा हूं आपको, जो मल्टी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है, ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये आती है कि सपोज करो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमने हर बच्चे को पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। अब मेरे को सभी बच्चों का क्वेश्चन देखना है, तो पहले मैं जाऊंगा एक बच्चे के पास, उसके पांचों क्वेश्चंस को देखूंगा, ठीक। इसके बाद जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दूसरे बच्चे के पास आऊंगा, उसके पांचों क्वेश्चंस देखूंगा, देखूंगा ना। लेकिन देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, पांचों क्वेश्चन देखूंगा, एक बार में देखूंगा पांचों क्वेश्चन, ऐसे चलते चलते जो लास्ट वाला बच्चा होगा उसके पास बहुत टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो आइडियलनेस कम हुई है मल्टी प्रोग्रामिंग में, सीपीयू वहां पर खाली नहीं बैठा, बट रिस्पॉन्सिवनेस उसका जो है बढ़ नहीं रहा। तो इसी तरह मल्टीटास्किंग जो है, इसको होते टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है,
इसका बेसिक काम क्या होता है, हर सब कुछ वही, छोटा सा चेंज क्या होता है कि मैं उन्हीं बच्चों के पास जाऊंगा, हर बच्चे का सिर्फ दो दो क्वेश्चन देखूंगा, दो क्वेश्चन इससे देखूंगा, फिर दो क्वेश्चन दूसरे, इससे क्या कि सभी बच्चे जो है मेरी फर्स्ट राउंड में कवर हो जाएंगे, फिर दूसरे राउंड में फिर दो दो क्वेश्चन देखूंगा, फिर अगले राउंड में एक एक क्वेश्चन देखूंगा, इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बढ़ेगी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ही कम होती है, आइडलनेस ज्यादा होती है, ये कह सकते हैं। पर टाइम शेयरिंग में क्या है कि आइडलनेस तो रहती रहती है, सॉरी हट जाती है, पूरी तरह समाप्त, आइडलनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। ये बेसिक कंपेरिजन है मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई डिफरेंस भी कहे तो आप बता दो, एक चीज दो यहाँ पे याद है। कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा पीपीटी के माध्यम से बताएं, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता है कि यहाँ पे नेट स्लो होने की वजह से जो तुम ब्लर बोल रहे हो ना, ये आता है आपको थोड़ा धुंधला टाइप दिखाई दे रहा होगा, ये नेट की स्पीड की वजह से है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है एक साथ तीन तीन क्लासेस चल रही है, नेट स्लो तो आ ही रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एनी वे कल ऐसी प्रॉब्लम शायद नहीं हो रही होगी। हेलो हेलो सर, ऑफलाइन शुरू करवा दीजिए। ऑफलाइन यार अब दुआ करो जल्दी चालू हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिना ऑनलाइन में मजा नहीं आती, सब्जेक्ट में ऑफलाइन वाला सब्जेक्ट ही है। हम लोगों को बुला लीजिए सर, बिल्कुल नहीं आ रही, अधिकतर चीजें समझ में आती हैं फिर उड़ जाती हैं। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब हम करें तो करें, हम कह चुके हैं यार, अब तीन बच्चे हैं, तुम लोग हमको तुम ही लोगों को बुला ले, ठीक है ना? तो बुला लीजिए, हम लोग आ भी जाएंगे। चलो देखते हैं, बात कुछ बात अगर बनती है तो करते हैं, ठीक है? तो ठीक है फिर, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कल आपको एक अलग स्लाइड बताऊंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराना चाह रहा था लेकिन टाइम बचा नहीं है, बताइए। नहीं सर, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो चलो अगर देखता हूँ थोड़ा सा, आप लोग बताइएगा जरा, मैं एक बार आपको शेयर कराता हूँ स्क्रीन। ये आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हेलो हेलो, आप लोग बोलते नहीं, थोड़ा यस सर दिखाई दे रही है। यस सर, क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई बता सकता है क्या जवाब होगा इसका? यस सर, कह रहा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हाई हार्डवेयर रिसोर्सेज सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑल द मेंशन्ड। क्या जवाब होगा? हेलो, ऑल द मेंशन्ड, नो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हाउएवर रिसोर्सेज। ओके अच्छा, इसका बता सकते हैं बायस इज यूज, बायस कहाँ यूज होता है? देखिए बायस का फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फर्मवेयर की डिवाइस है, ये फर्मवेयर, जो फर्मवेयर होता है ये उसकी टेक्नोलॉजी है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज होता है, राइट? आप लोग यस नो बोलते जाओ यार। हेलो हेलो, ओके सर। अगला है अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस नोन एज, क्या कहेंगे? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है मूविंग द सीपीयू न्यू प्रोसेस, जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को पकड़ता है, फिर दूसरे से तीसरे को पकड़ता है, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। याद रखिएगा इस पॉइंट को, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब होता है कितनी बार सीपीयू प्रोसेस में मूव कर रहा है, नए प्रोसेस में मूव कर रहा है, ओल्ड प्रोसेस को छोड़ता है, नया प्रोसेस पकड़ता है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फिर कह रहा है व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं, कौन बताएगा? प्रॉम्प्ट बोलते हैं कि कर्नल बोलते हैं कि सेल बोलते हैं, कमांड बोलते हैं? अब है तिवारी, अब है yes, sir. हाँ बताओ क्या बोलेंगे, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट नहीं। एक बात याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कर्नल, एक होता है सेल। तो कर्नल को बोलते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेल को बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर। इसका आंसर क्या होगा? सेल। आई बात समझ में?
हेलो, बस बात समझ में आई। अरे यार, यस सुनो, सर। इसका क्या होगा? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? जावा है कि लाइनेक्स है? यहाँ पे कोई एस लिख गया है गलती से, यहाँ पे लाइनेक्स होगा। बोलिए, लाइनेक्स है कि ओरेकल है कि लिनक्स जनाब लिनक्स है? लिनक्स यस। अच्छा, यहाँ पे यूनिक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको किस भाषा में लिखा गया है? सी प्लस सी प्लस लैंग्वेज, हेलो सी लैंग्वेज है ना? सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, ओके। यस सर। अब एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन एन इंटरफेस व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज टू ओनली द यूजर या ओनली द प्रोग्राम, या बोथ द यूजर एंड टू द प्रोग्राम? बोथ हाँ, बोथ द यूजर बोथ द एंड यूजर, प्रोग्राम, बोथ द यूजर एंड प्रोग्राम दोनों में काम आएगा ना, ये दोनों को सपोर्ट करेगा भाई, दोनों के बीच में इंटरफेस होता है। अच्छा, लाइनक्स लॉन्च इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर, कौन बताएगा? 1991। यस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई बताएगा? जावा, है? बीएडीएस, टीसीएस, अरे एबीसी करके बताओ, जल्दी बोलो। टीसीसी, नहीं, गलत यस सर। बात। इसका आंसर पहला होगा, इसे कहते मोजेक, हैं, पहला ही मोजेक, होगा, पहला ही होगा। देखिए, मोजेस आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे ये डेस्कटॉप में ही रन करता है। और सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको नोकिया और मोटोरोला ने बनाया था। सेम्बियन ने इसको डेवलप किया था। और बेटा, ये भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इसको डेवलप किया था सैमसंग ने। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो करंट में चल रहा है, जिसको डेवलप किया बाई गूगल, यू नो दैट, बाई गूगल। तो यहाँ पे मोजेब अब एप्पल का ही डेवलपमेंट है। इस समय एप्पल का मैकेंटोस चल रहा है, आपको मालूम ही है। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये तीनों आपके मोबाइल एप्लीकेशन है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया ने बहुत पहले, एंड्रॉयड के पहले चला करता, स्मार्टफोन जब चला करते थे तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे यूज होता था। और सैमसंग के द्वारा बेटा, बेटा है, ये बेटा यूज होता था, राइट? यस या नो? हेलो, यस सर, ओके। यस सर। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।